खबर कासगंज से है। कासगंज के पटियाली क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर के बवाल काटा और उन्होंने रोड जाम किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल से जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। घटना तहसील पटियाली की है, जहां प्रतापपुर निवासी ओम शरण बाइक पर अपनी मां मोरकली और अपनी पत्नी उषा के साथ गांव सिकंदरपुर शादी का निमंत्रण देने जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय उसका पहिया अपनी मां के ऊपर से ही निकल गया और उषा के दोनों पैरों को कुचलता हुआ ओम करण भी जा गिरा। मौत की सूचना मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने मेन चौराहे पर पटियाली में जाम लगा दिया। दुर्घटना हुई आपके साथ? जैसे भाई हम जैसे जा रहे थे, पहले वाहन साइड दी, तेन के बाद हमने गाड़ी निकाली। गाड़ी जब आगे बढ़ी तो जैसे हम भाई बराबर में पहुंचे, वाहन साइड दाब ली और दाबने के बाद जब हमने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद वाहन थोड़ी सी बढ़ाए गए और दाबी साइड बाई में लग कर गाड़ी को गिर गए हम। कितने लोग घायल हुए हैं? ये सी पटियाली पे खड़ा हूं। तीनों जने हैं, मम्मी और एक जो खत्म हुई है वो कौन थे? आपकी मम्मी थी। आपकी माँ थे जी। अस्पताल में जो घायल आपके आए थे उनको इलाज मिला नहीं मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला है। डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर आने के बाद हमारे कोई डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में आपको इलाज मिला नहीं मिला? कोई इलाज नहीं मिला और एक घायल है उसको बिना मतलब दवा लगाए, बिना बोतल लगाए ही उसको भेज दिया गया है। तो वो उसके साथ कितनी मतलब लापरवाही हो रही है। क्या बोला डॉक्टर ने? यहाँ कोई डॉक्टर मिला ही नहीं है। ही नहीं है, ही नहीं बोला, बोलेगा कौन? और दवाई के भंडार की जिसमें चाबी रहती है वो यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं रहता, आराम से दूसरी जगह ठहरता जाके, जबकि यहाँ सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है। दुर्घटना होने के बाद जिसकी सूचना पर सीओ अयोध्या प्रसाद मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। एएनजी न्यूज ब्यूरो के लिए कासगंज के पटियाली से वैभव बासड़े।